हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और देख सकते हैं कि गर्मी इतना गिर रहा है कि पूरा एकदम पंखा भी चल रहा है। देखिए उधर पंखा भी चल रहा है, उसका भी कुछ सुनवाई नहीं है। जो जितना ही चल रहा है उतना ही गर्म हवा बिग रहा है और पसीना तो एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बाहर अगर निकला जाए तो समझिए कि एकदम झुलस जाइएगा, ऐसी गर्मी गिर रही है। और ये हमारे दोस्त जो हैं रात को ड्यूटी किए हैं और अभी जो है सोए हुए हैं। गर्मी भी लग रही है लेकिन थोड़ा सा पंखा जो चल रही है थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है, उतना नहीं राहत है लेकिन थोड़ा बहुत है। पानी की छिड़काहट हो रही है धूल मिट्टी से निजात पाने के लिए। देखिए गर्मी इतना हो रही है कि धूल बहुत उड़ रही है और पानी छिड़कने से धूल में थोड़ा बहुत कम उड़ेगा और राहत मिलेगा। पूरा पसीना हो लो ना ना, वो पैसा ले लेतुन है आही के टाइम में घर में जाता है हो खाए में पीछे रहतुन जा खा के। अब बाकी आज मुर्गा मछली ना खे, बृहस्पत हवा हम ऐसो ना खाए। तबीयत खराब, गाड़ियों खराब का। ये जो हमारे मित्र हैं इनका पेट खराब हो गया, छुट्टी मार रहे हैं और हम लोग जो मार्केट जाने की तैयारी में हैं क्योंकि आज गर्मी इतना बुरा हाल कर दिया है, सभी लोग एकदम पसीने से तरबतर हो चुके हैं। गर्मी जो है अपने स्तर पर है, कितना ही पानी छीटा जा रहा है लेकिन फिर भी जो है धूल उड़ ही रहा है कुछ समय के बाद, क्योंकि ये बलथर मिट्टी है। और शाम का समय हो चुका है और अब निकलेंगे थोड़ा समय बाद जो है मार्केट में। आज जो है ऐसा हो गया है कि गमछा भी जो है मतलब कि चोरी हो गया है, जहाँ पर गए थे ऑफिस में वहाँ पर से। और आज कुछ अनबन भी हो गई है, पीछे जो देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि चौकी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका जो है कुछ समय से मतलब कि गाड़ी मतलब कि ख़राब हो गया था। तो हम कहें कि तुम्हारा ख़राब हो गया तो हमारा भी ख़राब हुआ है, तो पैसा कटा है तो हम भी पैसा लेंगे, क्योंकि जब तुम्हारा ख़राब हो तो हमारा भी तो ख़राब हुआ है, इसलिए अनबन हो गई आज। फिलहाल जो हम लोग आ गए हैं बाबा के ढाबा में खाना लेने के लिए। बाबा के ढाबा में भीड़ खूब रही हो। ये मेडिकल स्टूडेंट पता नहीं क्यों ये सिगरेट का खोखे क्या करती हैं, समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाय के आशिक आदमी हमारे बगल में बैठ चुके हैं। यहाँ छोटा सा सेटअप किए हुए हैं भैया, चाय की दुकान का अपना बिजनेस अपना ही होता है, कितना भी कुछ कर लिया जाए। और देखिए मेरी इच्छा कब पूरी होती है, मैं भी बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूँ लेकिन इच्छा कब पूरी होती है, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर मेरा इस पर से अर्निंग अगर होना शुरू हो जाता है तो मेरी भी इच्छा पूरी होने में समय नहीं लगेगी। आशा है कि आप लोग पसंद करेंगे। तब दोस्तों अब रात का समय हो चुका है, अब सोने का समय हो चुका है, तो अब जो है अब सोने जा रहे हैं। वैसे भी अपने ऑफिस में पहुँच चुके हैं काम के लिए, अब यहाँ पर से जो है काम करेंगे। रात भर तो ऐसे भी जगना ही पड़ता है, जगेंगे। और अब जो है आप लोग के बीच में अपनी किसी की भी ज़िंदगी आप लोग के बीच में पब्लिश करेंगे।